हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन और आप देख रहे हैं खोज डील। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल से कि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी लिस्ट या फिर एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा सुटेबल कैमरा रहेगा अंडर 30,000 रुपीज। इसके अंदर मैंने कुछ एक्शन कैमराज भी इंक्लूड किया है जो कि व्लॉगर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो पूरी वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा और बिना लाइक किए कहीं भी मत जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो बिना किसी देरी के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि कोई भी कैमरा लेने से पहले कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए जब भी आप एक कैमरा बाय करें। वो पॉइंट्स जानने के लिए मैंने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप वो वीडियो देख रहे हैं और जानिए कि क्या क्या पॉइंट कंसीडर करने चाहिए जब भी आप एक कैमरा को ले। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हमारे पहले कैमरा के बारे में जो कि आता है कैनन की तरफ से, कैनन का SX430। ये एक पॉइंट एंड शूट कैमरा है पर ये सबसे डिफरेंट है बाकी पॉइंट एंड शूट कैमरा से, क्योंकि एक काफी ज्यादा एडवांस फीचर सेट के साथ में आता है जैसे कि आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा 20 मेगापिक्सल का कैमरा। जी हाँ, 20 मेगापिक्सल का हाई डिटेल कैमरा जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सपोर्ट करता है इमेज स्टेबलाइजेशन को, यानी कि जो आपकी फुटेज होगी जो आप इससे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वो काफी ज्यादा इमेज स्टेबलाइज पाएगी एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पॉइंट एंड शूट कैमराज। और इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे 45x का ऑप्टिकल जूम। जी हाँ, यानी कि आपको लॉसलेस डिटेल वाला जूम देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप अगर आप जूम भी करेंगे तो भी इसके अंदर डिटेलिंग जो होगी वो लूज नहीं होगी क्योंकि आपको ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन देखने को मिलता है इस कैमरा के साथ में। आप 45 टाइम्स तक जूम कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जूम कर सकते हैं आप पर्टिकुलरली इस कैमरा के साथ में। और इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी वाईफाई और NFC की कनेक्टिविटी, यानी कि आप अपने फोटोज़ और वीडियोज़ को वायरलेसली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन पर भी। काफ़ी अच्छा फीचर सेट है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा अगर आप डेली बेसिस पे फोटोज या वीडियोस कैप्चर करते हैं कैमरास के साथ में। और ये कैमरा कॉस्ट करता है अराउंड 17,500 रुपीज़ के ऑन Amazon। काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली ऑप्शन में भी आपको ये देखने को मिलता है इतने सब फीचर सेट होने के बावजूद भी। मेरी मानिए काफ़ी अच्छी चॉइस है, प्लीज़ अभी कभी जाकर बाय कर लीजिए, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आपको क्योंकि ये कैमरा बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा देर तक स्टॉक इन नहीं रहता। प्लीज़ मेक श्योर कि आपको ये अवेलेबिलिटी इसकी मिलती रहे ऑन Amazon, इसलिए सारे के सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं सेकंड नंबर के कैमरा के बारे में। पर उसे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये कैमरा उन लोगों के लिए है जो व्लॉगिंग का काफ़ी शौक़ रखते हैं, जिनको व्लॉगिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये कैमरा मैं रिकमेंड करूँगा। और साथ ही साथ में उन लोगों के लिए भी जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और अपने मूवमेंट्स को कैप्चर करना चाहते हैं इन शॉर्ट फॉर्म फैक्टर साइज कैमरा। जी हाँ, ये एक एक्शन कैमरा है और ये कैमरा आता है DJI की तरफ से। DJI एक वेल रिनोन्ड ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ कैमरा और ये आता है DJI ओसमो एक्शन कैमरा। ये कैमरा आता है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के सपोर्ट के साथ में और इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 12 मेगापिक्सल का हाई क्वालिटी सेंसर जिससे कि आप अपनी वीडियोस को शार्पली कैप्चर कर सकते हैं इस कैमरा के थ्रू। और साथ ही साथ में इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 145 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि 145 डिग्री वाइड एंगल लेंस का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा इस कैमरा के थ्रू। आप काफी ज्यादा वाइड एंगल शॉट भी ले सकते हैं इस कैमरा के साथ में। इस कैमरा के अगर वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 4K 60fps का, यानी कि 4K हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन आप इसको 60fps इतनी स्मूथ फुटेज पे रन कर सकते हैं इजीली। और साथ ही साथ में इसमें आपको स्लो मोशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एट 1080p आपको 240fps का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा इस कैमरा के साथ में। बात की जाए इस कैमरा के और अमेजिंग फीचर की तो ये आता है EIS स्टेबलाइजेशन के साथ में, यानी कि आपकी जो फुटेज होगी इस कैमरा के साथ जो आप फुटेज कैप्चर करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होने वाली है, उसमें शेकिंगनेस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी आपको क्योंकि इसमें EIS इनेबल किया गया है आपकी फुटेज के रिकॉर्ड करते वक्त। बात की जैसे कि ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो ये आता है 11 मीटर्स की वाटर रेजिस्टेंट की ड्यूरेबिलिटी के साथ में और साथ ही साथ में इसको आप -10 डिग्रीज में भी यूज़ कर सकते हैं, इतना ड्यूरेबल कैमरा है ये, आप इसको किसी भी इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगा आपकी लॉन्ग रन यूसेज के लिए। इतने सब फीचर सेट होने के बावजूद भी ये कैमरा आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं करेगा, ये बस आपको 21,000 रुपीज़ का मिल जाएगा ऑन Amazon। अगर आप khojdeel.com वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे कूपन कोड भी अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे, आप वो यूज़ कर सकते हैं इस कैमरा को बाय करते वक्त और भी ज़्यादा चीप प्राइस में आपको पड़ सकता है ये ऑन Amazon। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी कैमरा आज के लिस्ट में से पसंद आया
तो आप बाय करने के लिए सोच भी रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे उन सभी कैमरास के लिंक्स अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको उन कैमरा के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाननी है तो लिंक्स पे विजिट ज़रूर कीजिएगा, आपको और भी ज़्यादा कैमरा के बारे में पता चलेगा आफ्टर विजिटिंग दोज लिंक्स। और साथ ही साथ में एक बार khosdeal.com वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं डिफरेंट तरीके कूपन कोड और साथ ही साथ में डिस्काउंट आपके बैंक डिसीजन के लिए, जो कि आपके हेल्प करेंगे आपके बैंक प्राइस को और भी ज़्यादा कम करने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करते हैं, जानते हैं हमारे तीसरे नंबर के कैमरा के बारे में, जो कि आता है कैनन की तरफ से, कैनन का 1500D। ये एक फुल फ्लैश DSLR कैमरा है। आप अगर बिगिनर हैं फोटोग्राफी में तो आप ये कैमरा कंसीडर कर सकते हैं अपने लिए, अपने यूसेज के लिए, क्योंकि मैं मानता हूँ बिगिनर लेवल फोटोग्राफी के लिए कैमरा सफिशिएंट रहेगा। साथ ही साथ में ये काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, अराउंड 25,000 to 26,000 रुपीज़ के साथ देखने को मिल जाएगा अगर आप एक किट लेंस कंसीडर कर रहे हैं 18 to 55 mm वाला। बात की जाए इस कैमरा के फीचर सेट की, तो ये आता है 24 megapixel के हाई रेजोल्यूशन सेंसर के साथ में, जो कि आपकी हेल्प करता है आपके लिए डिटेल फोटोज और वीडियोज को कैप्चर करने में। और साथ ही में आपको देखने को मिल जाएगा Digic 4+ का प्रोसेसर, जो कि आपकी हेल्प करेगा आपके लिए, जो आपकी फोटोज और वीडियोस कैप्चर करेंगे उनकी ऑप्टिमाइजेशन में आपकी हेल्प जरूर करेगा, उनकी प्रोसेसिंग और ऑप्टिमाइजेशन आपका ये Digic 4+ का ही प्रोसेसर हैंडल करेगा। तो चलिए जानते हैं इसकी ISO रेंज के बारे में। तो ये ISO सपोर्ट करते हैं 100 to 6400 की ISO रेंज, यानी कि आप अपने डार्कर एनवायरमेंट में भी इस कैमरा के साथ में कुछ हद तक ब्राइट फोटोज ले सकते हैं, आपको वहां भी कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इस कैमरा से वीडियो भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको दिया गया है, आप इसमें 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर मैं मानता हूँ ये वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बहुत अच्छी चॉइस तो नहीं रहेगी। आगे आने वाले कैमरास माइट बी ए गुड चॉइस फॉर यू अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कोई कैमरा कंसीडर कर रहे हैं अपने लिए। बात की जाए इस कैमरा की कनेक्टिविटी ऑप्शंस की, तो ये आता है वाईफाई और NFC के बिल्ट इन सपोर्ट के साथ में, आपको वायरलेसली ट्रांसफर करने में अपनी फोटोज और वीडियोस को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप अपने फोन पे भी वायरलेसली ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी फोटोज और वीडियोस को थ्रू द कैमरा बाय यूजिंग वाईफाई इनबिल्ट। बात की जाए इस कैमरा के लेंस कंपैटिबिलिटी की, तो ये सपोर्ट करता है EFS माउंट वाले कैमरा लेंस। जी हाँ, आप इसके अंदर EFS माउंट वाले कैमरा लेंस को अटैच कर सकते हैं, ये उनके साथ सपोर्टेड है और अच्छे से आपके वर्क करेगा, और आप डिफरेंट तरीके के लेंस अटैच कर सकते हैं इस कैमरा के साथ में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं हमारे फोर्थ नंबर के कैमरा के बारे में, जो कि आता है GoPro की तरफ से। जी हाँ, GoPro का लास्ट जैन का फ्लैगशिप ग्रेड कैमरा, यानी GoPro Hero 8 एडिशन। ये कैमरा एक फ्लैगशिप ग्रेड कैमरा है, भले ही लास्ट जैन का है पर इसके अंदर एक फ्लैगशिप ग्रेड का सेंसर इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इसकी जो पिक्चर क्वालिटी होने वाली है वो फ्लैगशिप ग्रेड पिक्चर क्वालिटी होने वाली है। साथ ही साथ में इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 3-way स्टेबलाइजेशन, यानी कि ये 3 axis से इसकी इमेज या फिर इसकी वीडियो स्टेबलाइज मिलेंगी और आपकी कोई भी शेकीनेस नहीं आएगी किसी भी फुटेज के अंदर। साथ में ये आता है 12 megapixel कैमरा के साथ में, जो कि आपकी हेल्प करेगा आपके लिए डिटेल्ड और क्रिस्प फोटोज और वीडियोज को कैप्चर करने में, और इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी। आप इतनी ज़्यादा स्मूथ फुटेज भी कैप्चर कर सकते हैं, वो भी 4K रेजोल्यूशन यानी कि हाई डायनेमिक रेजोल्यूशन के साथ में। आपको अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन का सपोर्ट देखने को मिल रहा है इस कैमरा के साथ में, और आप स्लोमो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं एट 1080p यानी कि फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में। आप स्लो मोशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इस कैमरा के साथ में। ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल कैमरा, अराउंड 10 मीटर तक ये वाटर ड्यूरेबिलिटी को सहन कर सकता है। और साथ ही साथ में ये आता है डुअल स्क्रीन ऑप्शन के साथ में, यानी कि इसके फ्रंट और बैक में दोनों में स्क्रीन लगी है। भले ही फ्रंट में एक एनालॉग या फिर आप कहें सो कॉल्ड डिजिटल स्क्रीन लगी है, जो कि आपकी हेल्प करता है आपके लिए कि आपको ध्यान करवाने में कि आपका कैमरा किस मोड में एक्टिव है और क्या क्या फंक्शन या फिर क्या क्या बैटरी रह रही है आपके कैमरा में। और साथ ही साथ में ये आते काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में, अराउंड 28 to 29,000 रुपीज़ के आपको देखने को मिल जाएगा ऑन Amazon। मैं मानता हूँ व्लॉगर्स के लिए या फिर ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी अच्छी सुटेबल चॉइस रहेगी पर्टिकुलरली यही कैमरा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अब हमारे लास्ट कैमरा के बारे में, जो कि आता है सोनी की तरफ से। ये एक पॉइंट एंड शूट कैमरा है, मैं आपको पहले बता देता हूँ 30,000 इसकी प्राइसिंग है, पर पॉइंट एंड शूट कैमरा होने के बावजूद ये एक DSLR को तगड़ी कंपटीशन दे सकता है, क्योंकि इसके जो फीचर सेट है वो एक DSLR के इक्विवेलेंट बनाए गए हैं। पर इसकी जो प्राइसिंग, जैसे मैंने आपको बताया, अराउंड 29,990 रुपीज़ का ये आपको पड़ेगा ऑन Amazon। इसके हिसाब से मैं मानता हूँ कि काफ़ी अच्छी सुटेबल चॉइस रहेगी आपके पर्सनल यूसेज के लिए। तो चलिए जानते हैं अब हम इस कैमरा के फीचर सेट के बारे में। तो ये आता है 20.4 megapixel सेंसर के साथ में, जो कि आपकी हेल्प करता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हाई डिटेल फोटोज़ को कैप्चर करने में, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलर्स के साथ में आपको ये फोटोज़ देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर इंजन
इंजन भी इस्तेमाल हुआ है इस कैमरा के साथ में। बात की जाए इस कैमरा के और एडवांस फीचर सेट के बारे में, तो ये आता है 50x ऑप्टिकल जूम के साथ में। आपको तो इतना DSLR में भी जूम देखने को नहीं मिलता जितना आपको एक पॉइंट एंड शूट कैमरा में देखने को मिल रहा है इस सोनी के कैमरा के साथ में। आप 50x तक जूम कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जूमिंग ऑप्शन भी देखने को मिलता है आपको इस कैमरा के साथ में। साथ ही साथ में इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल व्यू फाइंडर देखने को मिल जाएगा। अभी तक जो DSLR आते थे वो सिर्फ ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के साथ में आते थे। व्यू फाइंडर वो ऑप्शन होता है जिसमें आप लाइव फीड देख सकते हैं कि आपका कैमरा क्या कैप्चर कर रहा है या फिर क्या फोटोज क्लिक होने वाली है आपके कैमरा के आउटपुट से। तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल व्यू फाइंडर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है इन कंपैरिजन टू ऑप्टिकल व्यू फाइंडर से। ये आप किसी भी कैमरा एंथुजियास्ट से पूछ सकते हैं, वो आपको यही बताएगा कि इलेक्ट्रिकल व्यू फाइंडर काफ़ी ज़्यादा एडवांस है इन कंपैरिजन टू ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के। बात की जाए कनेक्टिविटी की, तो ये सपोर्ट करता है वाईफाई और NFC, यानी कि आप वायरलेसली ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी फोटोज और वीडियोज को अपने फोन या टैबलेट में। इसके अंदर आपको एक ऐसा फीचर देखने को मिल जाएगा जो कि किसी भी कैमरा में नहीं देखने को मिलेगा आपको इस लिस्ट में। इसके अंदर आपको टिल्ट स्क्रीन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप इसकी स्क्रीन को फोल्ड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रीव्यू कर सकते हैं कि आपका शॉट कैसा लग रहा है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। और साथ ही साथ में ये सपोर्ट करता है 1080p फुटेज रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी, आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं इस कैमरा के थ्रू विद द हेल्प ऑफ 20 megapixel का सेंसर। बात की जाए स्टेबलाइजेशन की, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन। आपकी फुटेज या फिर आपकी फोटोज को कैप्चर करते वक्त कोई भी शेकीनेस नहीं देखने को मिलेगी, कोई ब्लरीनेस नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि आपकी फोटोज और वीडियोज ऑप्टिकली इमेज स्टेबलाइज होंगी। दिस इज ऑल फॉर टूडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी भी लगी होगी और साथ ही साथ में आपने कैमराज के बारे में और भी ज्यादा नॉलेज गेन की होगी। अगर आपको कोई भी कैमरा पसंद आया आज की लिस्ट में, तो सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं कैमराज के बारे में। अगर आपको और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जानी है पर्टिकुलर कैमराज के बारे में, तो आप उनके लिंक्स के ऊपर विजिट कर सकते हैं और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।